नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूँ आपके साथ रुचिका राज। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, मुख्यमंत्री आवास पर 2 दर्जन से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास पर 2 दर्जन से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि बिहार एक बार फिर से खतरे के निशान पर है। लगातार बिहार में केसेस बढ़ रहे हैं, लगातार कोरोना संक्रमितों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। अब तक बता दें आपको कि 2,222 मामले बिहार में सामने आए हैं। वहीं मंत्री और नेताओं की बात करें तो हर दिन मंत्री और नेताओं के जो कोरोना संक्रमित होने के मामले हैं वो भी सामने आ रहे हैं। आज ही तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, यानी कि वो भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। और साथ साथ और भी कई सारे ऐसे मंत्री हैं जो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास पर 2 दर्जन से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसे लेकर काफी सतर्क नजर आ रहे हैं। कल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ बैठक किए थे, जिसके बाद कई सारे नियम लाए गए हैं, यानी कि सख्तियां अब बिहार में लागू हो गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री खुद भी इस बात को लेकर काफी सतर्क नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको ये बता दें कि मुख्यमंत्री आवास पर 2 दर्जन से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इसी को लेकर के अब कोरोना के जो आंकड़े हैं उसमें काफी बढ़ोतरी हो रही है। कल ललन सिंह कोरोना पॉजिटिव हुए थे, उन्होंने भी इस बात की जानकारी दी थी कि जो भी लोग उनके संपर्क में आए हैं वो जल्द से जल्द कोरोना का जाँच करवाएं और अपने आप को आइसोलेट करें। आज रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद के साथ साथ अशोक चौधरी, सुनील कुमार, इन सब के कोरोना संक्रमित होने की खबर सामने आई है। और लगातार नेताओं और मंत्रियों का जांच चल रहा है, टेस्टिंग बड़े पैमाने पर की जा रही है, क्योंकि कोरोना के जो संक्रमण है वो बड़े पैमाने पर अब बढ़ते जा रहे हैं। हर दिन नए नए मामले सामने आ रहे हैं और इसे ही लेकर के सरकार तो सतर्क है, लेकिन आम जनता को भी सतर्क हो जाने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना के मामले थम नहीं रहे हैं। तीसरी लहर की बात जहाँ विशेषज्ञों की तरफ से की जा रही थी कि तीसरी लहर आएगी, तो ये तीसरी लहर आती हुई दिख रही है। इस लहर में कोई नहीं बच रहा है, ना बच्चे, ना बुजुर्ग, ना ही युवा। तो हम सबको इस लहर से सतर्क होने की जरूरत है। और जो 2 वेरिएंट है वो काफी खतरनाक वेरिएंट है, ओमिक्रॉन या डेल्टा वेरिएंट, दोनों ही काफी खतरनाक वेरिएंट है। दोनों वैसे लोगों को भी संक्रमित कर रहे हैं जो वैक्सीन ले चुके हैं, इसीलिए अब हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। मास्क पहनना बहुत जरूरी है और कहीं भी भीड़ भाड़ जैसे इलाके में अगर आप जाएं तो मास्क जरूर से जरूर लगाएं। और वैसे ही खबरों के लिए लाइव सिटीज के साथ बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर ले और आप हमें ट्विटर हैंडल पर भी जरूर से जरूर फॉलो कर ले। धन्यवाद।